So good evening everyone, this is Dr. Shivam Mishra and I welcome you all to the energetic classes. आज जिस हम सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मीन वाइल हम कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जैसे गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन एज वेल. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग. तो एक क्वेश्चन आपके पास आता है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास. द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज अ हीट पंप इज गिवन बाय. चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज अ हीट पंप इज गिवन बाय. ऑप्शंस आर COP of heat pump is equal to COP of refrigerator plus 1. Option B is COP of heat pump is equal to COP of refrigerator plus 1. Option C is COP of heat pump is equal to COP of refrigerator minus 1. And option D is COP of heat pump is equal to COP of the refrigerator. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. हमें ये पता होना चाहिए कि एक रेफ्रिजरेटर या फिर एक हीट पंप एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है जो कि आपके रिवर्स कारनॉट साइकिल के ऊपर वर्क करता है या कारनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर वर्क करता है. तो एक स्टार्ट करते हैं एक हीट पंप या फिर एक रेफ्रिजरेटर से. तो सबसे पहले मैं एक रेफ्रिजरेटर ड्रॉ करता हूँ. एक रेफ्रिजरेटर है जो कि एज्यूम करते हैं दो टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2 के बीच में वर्क करता है. T2 इज़ द लोअर टेम्परेचर. T2 एक लोअर टेम्परेचर जो कि इवेपरेटर में ये टेम्परेचर आपका प्रोड्यूस होता है. इसके लिए कॉन्टिन्यूस टू मेंटेन दिस टेम्परेचर आपका रेफ्रिजरेटर Q2 अमाउंट ऑफ हीट का इस कन्फाइंड स्पेस से कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन करता है. बिफोर दिस आई मस्ट टेल यू दैट रेफ्रिजरेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एनी कन्फाइंड स्पेस वेल बिलो द एम्बियंट टेम्परेचर. तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके किसी कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर एम्बियंट टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करती है कॉन्टिन्यूसली और उसके लिए वो Q2 अमाउंट ऑफ हीट को कॉन्टिन्यूस रिजेक्ट करती है. सिंस इट इज़ अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस तो एक वर्क इनपुट टू दिस कंप्रेसर हम दे देते हैं. दिस इज योर रेफ्रिजरेटर एंड Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू द हायर टेम्परेचर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई T1. एक कॉन्टिन्यूस आपका हीट Q1 इसमें से एक्सट्रैक्ट हो रही है, सॉरी रिजेक्ट हो रही है विच इज़ बीइंग एडेड टू द हायर टेम्परेचर T1. तो फॉर्मूला फॉर द COP, जो COP के लिए फॉर्मूला है आपके रेफ्रिजरेटर का फॉर एनी रिवर्स कारनॉट साइकिल या फिर आपका रिवर कारनॉट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाई द रेशियो ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द डिफरेंस ऑफ हायर टेम्परेचर एंड द लोअर टेम्परेचर. ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. जो आपका T1 है वो हायर टेम्परेचर है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एंड T2 इज़ लोअर टेम्परेचर जहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है. तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज TL डिवाइडेड बाई TH-TL. सिमिलरली COP ऑफ एक हीट पम्प कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है TH डिवाइडेड बाई TH-TL और आई कैन राइट इट एज T1 डिवाइडेड बाई T1-T2. COP ऑफ हीट पम्प एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं टेम्परेचर के टर्म में. अब सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द COP ऑफ हीट पम्प एंड रेफ्रिजरेटर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू वन थिंग. मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर जो वैल्यू लिखी हुई है विच इज़ योर T2 डिवाइडेड बाई T1-T2, यहाँ पे चलता हूँ और मैं इस फॉर्मूले में 1 का एडिशन कर देता हूँ. एक हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले 1 का यहाँ पे एडिशन कर देता हूँ. जब मैं 1 ऐड करूँगा तो मैं एक LCM ले लेता हूँ जस्ट टू नॉर्मलाइज द डिनोमिनेटर पार्ट. तो आई कैन राइट इट एज T1-T2 फॉर द होल फॉर्मूला. T2 इट द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज, न्यूमरेटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस 1 किया था तो इसलिए आई कैन राइट इट एज T1-T2. यहाँ से T2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा और आपके पास COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू आ जाएगी T1 डिवाइडेड बाई T1-T2 प्लस 1 करने के बाद. अगर इस फॉर्मूले में मैंने प्लस 1 किया बोथ साइड तो ये वैल्यू आ जाएगी. और अगर मैं ऑब्जर्व करूँ COP ऑफ ए हीट पम्प का फॉर्मूला
हमारे पास ऑलरेडी ये वैल्यू आ चुकी है टी वन डिवाइड बाई टी वन माइनस टी टू। इट मीन्स यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, आई कैन जम्प इन टू ए कंक्लूजन दैट सी ओ पी ऑफ एनी हीट पम्प कैन बी रिटन एज सी ओ पी ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस वन। अब हमें सही ऑप्शन को देख ले, सही ऑप्शन को देख लेना है। ऑप्शन ए पे चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस टू। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। ऑप्शन सी पे आते हैं, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस वन। नहीं, ये फॉर्मूला भी नहीं है। ऑप्शन सी के पास आते हैं, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन डी बी पे आते हैं अभी, विच इज रिप्रेजेंटेड एज सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। और हम यहाँ से देखते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मूला हमने भी डिड्यूस किया है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। सिमिलरली अब आपके पास सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं, एन इंडस्ट्रियल हीट पम्प ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ, एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एन इंडस्ट्रियल हीट पम्प ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हीट पम्प है आपका जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस थर्टीन डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने टेम्परेचर को, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कन्वर्ट कर लेना है आपको केल्विन में। तो वी नो द फॉर्मूला टू कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन। हमें क्या पता है, इफ़ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो हमें क्या करना होता है, इस डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला जो दिया होगा आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, उससे हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे और अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो केल्विन में आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और वो हायर टेम्परेचर भी हमें दिख रहा है बिकॉज माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ फार मोर लोअर दैन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दिस इज़ द हायर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, विच कैन बी रिटन एज 300 केल्विन। अगर केल्विन में मैं लिखूंगा तो मैं इसे 300 केल्विन लिख सकता हूँ। सिमिलरली माइनस 13 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं लिखता हूँ केल्विन में, तो आई कैन राइट इट एज 260 केल्विन बिकॉज क्या करूँगा, 273 माइनस 13 इज इक्वल टू 260 केल्विन। द रेट्स ऑफ हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन आर, अब इस हीट पंप के फॉर्मूले में आपको रेट ऑफ हीट रिजेक्शन और रेट ऑफ हीट एडिशन गिवन है। रेट ऑफ हीट एडिशन एंड रेट ऑफ हीट रिजेक्शन इज गिवन। एक वर्क इनपुट होगा, आपका हीट पंप भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, आप सभी को पता है। ये आपका लोअर टेम्परेचर है T2, ये है आपका हायर टेम्परेचर T1। यहाँ पे Q1 हीट कंटिन्यूस रिजेक्ट हो रही है या इस T1 टेम्परेचर पे ऐड की जा रही है, नॉट बीइंग रिजेक्टेड, इट इज़ बीइंग एडेड। और यहाँ पे आपकी Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से आ रही है। जस्ट अपोजिट टू द रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसका पर्पज़ होता है किसी भी एक कन्फाइंड स्पेस के टेम्परेचर को आपके एम्बियंट टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना, ठीक है। हीट पंप इज़ अ डिवाइस which is used to maintain the temperature of any confined space well above the ambient temperature. उसके ऊपर ये उसको Q2 की वैल्यू गिवन है। कहाँ पे हीट ऐड हो रही है, वो आर रेफ्रिजरेंट। Q2 की वैल्यू इज गिवन है 750 वाट, वाइल आपका हीट रिजेक्शन जो है हायर टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 1000 वाट। ये कैसे मुझे पता चलेगा कौन सी वैल्यू हायर है, कौन सी वैल्यू Q1 है, कौन सी वैल्यू Q2 है? बिकॉज जब आप हीट बैलेंस निकालोगे या एनर्जी बैलेंस करोगे, फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस यू वुड गेट टू नो दैट Q1 वैल्यू विल बी इक्वल टू Q2 प्लस W। इसलिए आपका जो वैल्यू ऐड हो रही है, इट इज़ योर 750 प्लस W बिकम्स इक्वल टू 1000 वाट। यहाँ से मुझे वर्क की वैल्यू मिल जाएगी 250 वाट्स। ओके, फाइन। सो आई हैव कैलकुलेटेड ऑल अदर वैल्यूज, मुझे सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं आपकी। मेरे पास Q1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, Q1 इज 1000 वाट which is being added to the higher temperature. Q2 की वैल्यू है मेरे पास 750 वाट। यहाँ से मुझे वर्क इनपुट मिल चुका है Q1 माइनस Q2, दैट इज इक्वल टू 250 वाट्स। एंड सी ओ पी ऑफ द हीट पम्प इज हैज़ बिन आस्ड, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प क्या है,
इट इज गिवन बाय सीओपी ऑफ अ हीट पंप इज रिप्रेजेंटेड बाय डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट टू द सिस्टम। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, चूंकि ये हीट पंप है तो हीट पंप वो डिवाइस है जो कि आपके किसी एक कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर अपनी एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करती है। इसलिए हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट विल बी क्यू वन। डिजायर्ड इफेक्ट फॉर अ हीट पंप विल बी क्यू वन, क्योंकि हम उतना अमाउंट ऑफ हीट को कंटिन्यूस ऐड कर रहे हैं उस कन्फाइंड स्पेस में इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर अबव द सराउंडिंग टेम्परेचर। और आपका वर्क इनपुट क्या होगा, वर्क इनपुट इज रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू इन और डब्ल्यू, विच कैन बी रिटन एज क्यू वन डिवाइडेड बाई द क्यू वन माइनस क्यू टू, विच इज 1000 वॉट डिवाइडेड बाई 250 वॉट्स, आंसर विल बी योर 4। तो लेट्स मूव टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस आर 7.5 विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज 6.5, ऑप्शन डी इज 3 एंड ऑप्शन सी इज 4। क्या ये 7.5 या 6.5 एंड 3 क्या ये ऑप्शंस नहीं हो सकते थे? तो आप इसको एक्सप्लोर करिएगा और जो भी चीज़ें हों आप उसको कमेंट में बताइएगा कि क्या 7.5 क्यों नहीं हो सकता था, क्यों इसका ऑप्शन हमने 4 ही फाइंड आउट किया है। प्लीज़ टेल मी इट इन टू द कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, अ कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 वॉट्स। रेफ्रिजरेटर सभी को पता चल चुका है किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और अ रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एनी कन्फाइंड स्पेस वेल बिलो इट्स एम्बियंट टेम्परेचर एंड फॉर दैट इट कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम दैट कन्फाइंड स्पेस एंड वन वर्क इनपुट इज देयर एंड क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टूवर्ड्स एट द सिंक टेम्परेचर क्यू वन। सो अ कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन। 250 केल्विन एंड 300 केल्विन वी कैन डायरेक्टली सी दैट T2 वैल्यू इज 250 केल्विन वाइल द T1 वैल्यू इज 300 केल्विन एंड इट इज क्लियरली रिटन हियर इट इज कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो इफ यू COP ऑफ एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम और हीट पम्प दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर will be represented in terms of temperature that would give you the maximum COP, because Carnot's refrigeration cycle is a reversible cycle or ideal cycle and we clearly know, हमें अच्छे से पता है कि maximum COP या फिर maximum efficiency उसी साइकिल की हो सकती है जो कि आपकी रिवर्सिबल साइकिल है। एक्चुअल साइकिल्स में आपकी इरिवर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। फ्रॉम हियर वी कैन गो इनटू 250 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 300 एंड 250 एंड COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर विल बी कमिंग एज 5। 250 divided by 50 is equal to 5. So correct option will be 5. Option B is the correct option. One more question is there. मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं या फिर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे। अ रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, एक रिवर्स कार्नोट साइकिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन हियर। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रख लेंगे कि अगर रिवर्स कार्नोट साइकिल है तो ये टेम्परेचर लिमिट्स यानी कि मैक्सिमम COP की बात कर रहा होगा, ये मैक्सिमम COP की बात कर रहा है। तो हैज अ COP ऑफ 4। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज गिवन एज COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज गिवन एज 4। If it works as a heat pump, अगर यही refrigeration system आपका heat pump की तरीके से work करता है and consumes 1 kilowatt, इस चीज़ को highlight करेंगे, consumes 1 kilowatt का मतलब क्या होगा, there is only one thing that is being consumed into your refrigeration system or heat pump, that is the work,
आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस. तो द ओनली थिंग विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड इज योर वर्क इनपुट, एंड वर्क इनपुट वैल्यू इज गिवन एज 1 kW फॉर दिस क्वेश्चन, 1 kW. एंड इट इज बींग आस्क्ड दैट वॉट विल बी द हीटिंग इफेक्ट, वॉट विल बी द हीटिंग इफेक्ट इफ योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वर्क एज ए हीट पम्प. तो वी नो द कोरिलेशन, हमें कोरिलेशन अच्छे से पता है कि क्या करना है हमें. सी ओ पी ऑफ हीट पम्प कैसे कैलकुलेट होगी, सी ओ पी ऑफ हीट पम्प को हम लोग लिख सकते हैं सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्लस वन. सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमने सबसे पहले जान लिया, यहाँ 4 गिवन है, तो हमारे पास सी ओ पी ऑफ हीट पम्प आ जाएगी 5. सी ओ पी ऑफ हीट पम्प विल बी इक्वल टू 5, एंड वर्क इज गिवन एज 1 kW. नाउ आई नो द फॉर्मूला फॉर द सेम. सी ओ पी ऑफ हीट पम्प is also written as desired effect divided by desired effect divided by the work input to the system. Desired effect क्या होगा heat pump के लिए, heat pump के लिए desired effect वो है, मैंने draw किया था diagram, आपने देखा भी होगा. heat pump के लिए जो desired effect है वो है आपका Q1 amount of heat जो कि T1 temperature पे add हो रही है in order to maintain its temperature above the surrounding temperature. अगर heat pump एक T1 temperature maintain कर रहा है surrounding के ऊपर, सराउंडिंग का टेम्परेचर से ऊपर, इट मीन्स कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसमें कंटिन्यूअस, बात यहाँ पे मेंटेन करने को रही है, इसका मतलब कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसमें कंटिन्यूअस ऐड हो रही होगी, इसलिए यहाँ से डिजायर्ड इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी Q1, दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q1 डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट. तो डिजायर्ड इफेक्ट वैल्यू, दिस इज बीन आस्क्ड दैट हीटिंग इफेक्ट, Q1 इज द हीटिंग इफेक्ट, Q1 इज द हीटिंग इफेक्ट ओनली, Q1 is the heating effect. So we have the COP of heat pump is equal to 5. We do not know the heating effect Q1. Work input to it is 1. So Q1 value will be equal to 5 kW. We'll search out for the option. Option A is 1 kW. No, this is the wrong one. Option B is 4 kW. This is also the wrong one. Option D is 6 kW. Wrong one. And option C is 5 kW. जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. इस चीज़ को ध्यान में समझेंगे सभी लोग, ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ हीट पंप वर्क्स एज ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, अ हीट पंप वर्क्स एज ए रिवर्स कार्नोट साइकिल, अ हीट पंप वर्क्स एज ए रिवर्स कार्नोट साइकिल. तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स कार्नोट साइकिल, इट मीन्स कि ये आपसे आइडियल साइकिल की बात कर रहा है. आइडियल साइकिल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द आइडियल साइकिल. एंड वो हीट पंप है तो डिजायरेबल इफेक्ट की अगर बात आती है कहीं पे, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट कि हमारे पास रिमेम्बर्ड रहे ये क्या है. वी हैव ए टेम्परेचर T2, वी हैव ए टेम्परेचर T2, वी हैव Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एडेड टू द सिस्टम, वर्क विच इज गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज W, एंड Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट that is supplied to the confined space in order to maintain its temperature well above the ambient temperature. तो सबसे पहले दे दिया हीट पंप आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर वर्क कर रहा है. टेम्परेचर इन द कंडेंसर कॉयल, कंडेंसर कॉयल इज 27 degrees centigrade, 27 degrees centigrade, इट मीन्स 27 degrees centigrade मीन्स 300 Kelvin. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर लेंगे, सो T1 वैल्यू इज गिवन एज 300 Kelvin. दिस इज द कंडेंसर temperature, this is the condenser temperature, this one where refrigeration effect is added is your evaporator temperature, evaporator temperature which is represented as minus 23 degree centigrade, जिसको लिखा जा सकता है plus 273 करूँगा, it will be equal to 250 Kelvin, it will be equal to 250 Kelvin. So for a work input of 1 kW, so work input to the system is given as 1 kW. So it is being asked that how much the heat is pumped, how much the amount of heat is pumped. So first of all जो हमें जानना है वो उसकी क्या बात हो रही है, Q1 amount of heat, since it is a heat pump तो यहाँ पे Q1 की बात होगी. It is the desired effect और यही heat आपकी pump की जा रही है confined space में को, जहाँ पे इस T1 temperature को हमें maintain करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंस इट इज़ अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम COP का फॉर्मूला लिखते हैं. COP का फॉर्मूला क्या है, COP ऑफ अ हीट पंप इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. T1 वैल्यू आपको 300 गिवन है,
एंड टी वन एंड टी टू का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू 300 माइनस 250. सो सी ओ पी ऑफ हीट पम्प विल बी इक्वल टू 5. सी ओ पी ऑफ द हीट पम्प विल बी इक्वल टू 5. आई गेस सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, सभी लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ध्यान से समझ रहे होंगे. तो सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज इक्वल टू 5. वी हैव डिराइव टू दिस पॉइंट. अब यहाँ से हमें क्या देखना है, अगेन दिस सी ओ पी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट विच इज़ क्यू वन डिवाइडेड बाई द डब्ल्यू विच इज इक्वल टू क्यू वन. इट इज़ द डिजायर्ड इफेक्ट फॉर दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दिस हीट पम्प सिस्टम टू द वर्क इनपुट टू द सिस्टम. सो वर्क इनपुट इज ऑलरेडी गिवन एज, वर्क इनपुट वैल्यू इज गिवन एज 1 kW. इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन वॉट वी डिड. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल टू 5 इनटू 1 इज इक्वल टू 5 kW. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं आगे बढ़ रहा हूँ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा. सिमिलर क्वेश्चन एक आपके पास और आ रहा है, रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन द रिवर्स कारनोट साइकिल. अ रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन द रिवर्स कारनोट साइकिल वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स विच हैज द रेशियो बिटवीन द लो एंड द हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 की अगर मैं बात करूँ, T2 इज द लोअर टेम्परेचर एंड द T1 इज द हायर टेम्परेचर. इट्स वैल्यू इज गिवन एज 0.8. क्वेश्चन में ये गिवन है आपको. इफ अ हीट पंप इज ऑपरेटेड बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज, तो सबसे पहले आते हैं सी ओ पी ऑफ रिवर्स कारनोट साइकिल. यहाँ देख लीजिए, दिस इज योर रिवर्स कारनोट साइकिल. तो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज गिवन एज T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. फ्रॉम हियर अगर मैं आ जाता हूँ, यहाँ से अगर आ जाता हूँ, तो T2 बाई T1 का जो रेशियो आपके पास गिवन है 0.8 गिवन है. सिमिलरली अगर मैं सी ओ पी ऑफ हीट पम्प की बात करता हूँ, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ T1 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T2 बाई T1 माइनस 1. इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T2 बाई T1, सॉरी दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2. दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2. तो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T1 बाई T2 माइनस करेक्ट. सी ओ पी ऑफ हीट पम्प कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई द T1, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस T2 बाई T1 विच विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8, और इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0.2 और इक्वल टू 5. So we have jumped to the conclusion that COP of the heat pump will be equal to 5. COP of the heat pump will be equal to 5. COP of the heat pump will be equal to the 5. So option D will be the correct option. Option D will be the correct option. Coming to the next question, we have if a domestic refrigerator works inside an adiabatic room with its door open. एक आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है और एक एडियाबेटिक रूम है जहाँ से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है. इट इज़ इंसुलेटेड, इट इज़ एन एडियाबेटिक रूम, यहाँ से कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा और एक रेफ्रिजरेटर आपका इसके अंदर ऑपरेट कर रहा है. एंड इफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स इनसाइड एन एडियाबेटिक रूम विद इट्स डोर ओपन एंड रेफ्रिजरेटर का जो डोर है दैट इज़ ओपन. रेफ्रिजरेटर का डोर इज ओपन, द रूम टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज. दिस इज असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक असर्शन आपके पास गिवन है, इफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स इनसाइड एन एडियाबेटिक रूम विद इट्स डोर ओपन द रूम ऑपरेटिंग टेम्परेचर विल ग्रेजुअली डिक्रीज. असर्शन आपके पास दिया है एंड रीजन बिहाइंड इसके क्या दिया हुआ है, दैट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हैव हायर COP कंपेयर टू द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स. इसका क्या दिया हुआ है, रीजनिंग क्या दी हुई है, रीजनिंग इज वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हैव हाई COP कंपेयर टू द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल. सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक रेफ्रिजरेटर क्या होता है. एक रेफ्रिजरेटर एक वो डिवाइस है जो कि किसी भी कन्फाइंड स्पेस के टेम्परेचर को इसके सराउंडिंग टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर मेंटेन करता है और उसके लिए वो क्या करता है, उस कन्फाइंड स्पेस से कॉन्टीन्यूअस हीट का रिजेक्शन करता है. उस कन्फाइंड स्पेस से कॉन्टीन्यूअस हीट का रिजेक्शन करता है. इट मीन्स कि अगर आपने
अपने रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन छोड़ दिया, अगर आपने अपने रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन छोड़ दिया, तो उस केस में जो हीट आपकी कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्ट हो रही थी इस जगह से, अब इट दिस कन्फाइंड स्पेस विल नॉट बी लिमिटेड टू योर रेफ्रिजरेटर ओनली, रैदर अब वो आपके रूम के साथ भी मिक्सडअप हो गया। इसका मतलब क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है और आपका सराउंडिंग जो आपका रूम टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, दिस T1 टेम्परेचर इज़ हायर, तो इसलिए हीट फ्लोज विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। अब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपकी यहाँ पे ऐड होगी, इसलिए रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट का क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर हीट, एंड दैट हीट विल अल्टीमेटली विल बी एडेड टू द एटमोसफियर इटसेल्फ और द रूम इटसेल्फ। इसलिए आपका अगर डोर रेफ्रिजरेटर का ओपन रह जाता है तो आपका जो रूम है वो ठंडा नहीं होगा, इट्स टेम्परेचर विल नॉट बी डिक्रीजिंग, रैदर इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो एसर्शन द स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू की बात करते हैं, उसमें क्या गिवन है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हैव हाई COP कंपेयर टू द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। यस इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बट अगर मैं ऑप्शंस को बात करूँ, ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शंस की बात करता हूँ, तो इनको कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, हम देखते हैं बोथ ए एंड आर द इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो बोथ आर नॉट ट्रू, ऑप्शन वन इज रॉन्ग, ऑप्शन वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग वाइल स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो ए ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड बोथ ए एंड आर नॉट इंडिविजुअली ट्रू। ऑप्शन बी पे आते हैं, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट इट इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नो बोथ आर नॉट ट्रू, इट इज़ ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन सी पे आते हैं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नो ए इज़ नॉट ट्रू, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज, रैदर इट द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल बी इंक्रीजिंग। एंड ऑप्शन डी इज ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर, यू कैन सी वॉट एवर आई टोल्ड यू दैट इज दैट हैज़ ऑल्सो बीन रिटन हियर, दैट रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर, इट एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एट अ सर्टन वैल्यू एंड ट्रांसफर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रांसफर्स दैट Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू द सराउंडिंग इटसेल्फ। कहाँ पे करता है, टू द सराउंडिंग इटसेल्फ विच इज़ एट द हायर टेम्परेचर, विच इज़ एट द हायर टेम्परेचर। इफ़ अ रेफ्रिजरेटर डोर इज केप्ट ओपन, अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को हमने ओपन कर दिया, ट्रांसफर्स इट टू द हायर टेम्परेचर, अगर हमने रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन कर दिया, देन द रूम विल बिकम हॉट बिकॉज द रेफ्रिजरेटर एग्जॉस्ट, जो रेफ्रिजरेटर से हीट एग्जिट होगी विच इज योर Q1 वैल्यू विल बी एडेड टू द रूम इट्सेल्फ, विल बी एडेड टू द रूम इट्सेल्फ। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर वैल्यू, रूम टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ ऑल्सो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर दैट एन एयर कंडीशनर ऑपरेटिंग एज अ हीट पम्प इज सुपीरियर टू एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर फॉर विंटर हीटिंग। स्टेटमेंट वन इज गिवन एज एन एयर कंडीशनर ऑपरेटिंग एज अ हीट पम्प इज सुपीरियर टू एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर फॉर विंटर हीटिंग, इट इज़ योर असर्शन एंड रीजनिंग बिहाइंड दिस इज गिवन, अ हीट पम्प rejects more heat than the heat equivalent of the heat absorbed. So let's go into the option. The options are both A and R the individually true and R is the correct explanation of A. Both A and R are individually true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false and option D is A is false but R is true. So here we come to the explanation. देख लेते हैं एक बार. An air conditioning operating as a heat pump is superior to an electric resistance heater for winter heating. क्यों?
क्योंकि एयर कंडीशनर जो है आपका, इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, हम जो इसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ये इससे क्या करता है, इट मूव हीट फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर स्पेस से हीट को इनसाइड स्पेस की तरफ इजेक्ट करता है, क्या करता है, बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करके इनसाइड इस हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में हमें अपने रूम के टेम्परेचर को क्या करना है, हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग आपका किस पे है, लोअर टेम्परेचर पे है। तो हम अभी इसमें जो हीट पंप यूज़ कर रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जब हम कर रहे हैं, यानी कि जब कंप्रेसर आपका वर्क कर रहा है, तो ये क्या करता है, इट मूव्स हीट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, विच इज़ फार मोर एफिशियंट, जो कि ज़्यादा एफिशियंट है टू जनरेट हीट दैन टू जनरेट हीट। इसका मतलब आप अगर इलेक्ट्रिक हीटर लगा के हीट को जनरेट करते हो तो उससे भी ज़्यादा क्या होगा, ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा। एडेड टू इट टू द बेनिफिट ऑफ द टेम्परेचर कंट्रोल, अगर मैं टेम्परेचर कंट्रोल की बात करूँ तो अगर मैं थर्मोस्टेट लगा के अपने टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता हूँ, एंड द सिस्टम कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एज कम्पेयर टू द रेगुलर रूम हीटर, तो हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, वो अगर हीट पंप के तरीके से यूज़ कर दिया जाए, उसे उस तरीके से यूज़ करें, तो वो बेटर आपका वर्क करेगा इन कंपैरिजन टू योर रूम हीटर, एंड इट विल आल्सो, अगर हम एक टेम्परेचर कंट्रोल थर्मोस्टैट लगा दें तो इट कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एज वेल, इट विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग एज वेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज एयर कंडीशनिंग ऑपरेट एज अ हीट पंप सुपीरियर टू एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर एज फॉर द विंटर हीटिंग, यहाँ आ जाएगा। एंड हीट पंप की बात करूँ तो हीट पंप रिजेक्ट्स मोर हीट देन द हीट इक्विवेलेंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, ऑब्वियसली हीट पंप क्या करता है, ज़्यादा हीट को क्या करता है, इजेक्ट करता है इन कंपैरिजन टू दैट हैज़ बीन एब्जॉर्ब, इस टेम्परेचर से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके ऊपर वर्क इनपुट होता है एंड क्यून अमाउंट ऑफ हीट को ये इजेक्ट करता है। तो हीट पंप इज अ डिवाइस विच इजेक्ट्स मोर हीट इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ द कन्फाइंड स्पेस वेल अबव द सराउंडिंग टेम्परेचर। So both A and R are indivisibly true and R is the correct explanation of A. Yeah, option A is correct.